बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम लोग जो GCUF के ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं फॉर प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस, तो जो हमारे के मेन कैंपस है और जो सब कैंपसेस हैं और गवर्नमेंट एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनके सबके एग्जाम कंडक्ट हो गए और उन सब का जो एग्जाम है वो सक्सेसफुल रहा है। अब उस जो नेक्स्ट जो रह गए थे प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस, उनके एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे और इनके जो एग्जाम है BS ऑल प्रोग्राम्स और MSc 4 सेमेस्टर के, इनके जो एग्जाम है 21 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और इनके जो डेट शीट है मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लोड कर दी है, वहाँ उस लिंक के थ्रू आप उसकी डेट शीट को देख सकते हैं। और इसके जो MSc सेकंड के एग्जाम रह जाएंगे वो इसके MSc के सेकंड के एग्जाम इसके बाद कंडक्ट होंगे, उसकी डेट शीट अलग से आएगी। तो अभी जो BS के तमाम प्रोग्राम है और MSc 4th है उनके एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होंगे और जो एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे सेफ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू। इसकी सेफ एग्जाम ब्राउजर की एग्जाम जो फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रख दी है, वहां से आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है। जब भी सेफ एग्जाम ब्राउजर आप डाउनलोड करेंगे, इसके साथ आपको एग्जाम फाइल भी चाहिए होगी GCUF की, वो भी आपने यूज करनी है। GCUF की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है और मैं साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर देता हूँ। आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर डाउनलोड करना है और जो एग्जाम फाइल को सेफ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू ओपन करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगा। और इसकी जो गाइड की सेफ एग्जाम ब्राउजर को कैसे इंस्टॉल करना है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यानी कि तीन चार डिस्क्रिप्शन में चीज़ें ऐड होंगी, उनमें ये भी ऐड होंगी। तो सबसे पहले है कि जब भी आप सेफ एग्जाम ब्राउजर को ओपन करेंगे, उस सबसे पहले आपको चाहिए होगी एग्जाम फाइल। एग्जाम फाइल को आप ओपन करेंगे सेफ एग्जाम ब्राउजर में। जब सेफ एग्जाम ब्राउजर ओपन हो जाएगा तो आप जो कंप्यूटर की दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप पहले इसको स्विच ऑफ करेंगे, इसे लॉग आउट होंगे और या फिर कंप्यूटर को लॉग आउट करेंगे, शट डाउन करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर आप दूसरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप सेफ एग्जाम ब्राउजर को लॉग ऑफ कर देंगे, आपका एग्जाम उसी टाइम फिनिश हो जाएगा, तो आप एग्जाम को दोबारा नहीं दे सकते। इसलिए जब आप एक दफा लॉग इन हो जाएं, आप एग्जाम फाइल को ओपन कर लें, आपने दोबारा दूसरे सिस्टम की तरफ नहीं जाना जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। इसका यूजर नंबर और पासवर्ड है वो आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा, जो वैसे जो मेन कैंपस का स्टूडेंट है उनका डिफॉल्ट पासवर्ड 1111 यानी 4 टाइम्स 1 है। यूजर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और जो पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ये वाला है। अगर आप एफिलेटेड कॉलेजेस प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेजेस से हैं तो उसका पासवर्ड आपको आपके कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। और हमेशा आप जो एग्ज़ाम फाइल है वो एफिलेटेड कॉलेजेस वाली यूज़ करें। मेन कैंपस वाली डिफरेंट फाइल होती है और आपकी जो एफिलेटेड कॉलेजेस वाली एग्ज़ाम फाइल है वो डिफरेंट होती है। साथ लिखा होगा आपकी एग्ज़ाम फाइल के साथ एग्ज़ाम फाइल फॉर एफिलेटेड कॉलेजेस। और जो भी आपको एग्जाम फाइल मिले उसको कोई उसमें कोई एडिट ना करें। अगर उसमें आप कोई भी एडिट करते हैं तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो कंसिडर नहीं होगा। इससे नेक्स्ट जो आपका सेफ एग्जाम ब्राउजर है वो सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर्स के ऊपर इंस्टॉल होता है और बेटर है कि आपके पास विंडोज 10 हो। विंडोज 10 पे ये स्मूथली रन करता है और आपके पास जो इंटरनेट है वो स्टेबल हो, अच्छी स्पीड का नेट हो। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो वो प्रॉब्लम करेगा। मोबाइल फोन्स के ऊपर सेफ एग्जाम ब्राउजर ना ही इंस्टॉल होता है और ना ही इसके ऊपर ये रन होगा। और अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर कैमरा या माइक नहीं है तो भी आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं हो सकता। तो ज़रूरी है आपके पास कैमरा हो, लैपटॉप है तो उसके अंदर बिल्ट इन कैमरा होगा। अगर कैमरा नहीं है तो कैमरा परचेज कर लें एग्जाम से पहले, और माइक भी साथ में होना ज़रूरी है, माइक भी साथ उसको परचेज कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। और एग्जाम वाले दिन से पहले उसको ज़रा इंस्टॉल कर, सेफ एग्जाम ब्राउजर भी इंस्टॉल कर लें और कैमरा भी देख लें, उसका ड्राइवर का कोई इशू है, माइक के ड्राइवर का कोई इशू है तो उसको चेक कर लें, उसको ठीक कर लें,
क्योंकि एग्जाम जो है टाइम अगर गुजर गया तो उसके बाद आपका दोबारा से कंडक्ट नहीं होना, इसके लिए सिर्फ एक ही चांस चांस है। अगर वो दोबारा नहीं हुआ तो फिर आपका नेक्स्ट सप्ली में इसका एग्जामिनेशन होगा। और जो आपकी डेट शीट पे मेंशन टाइम है उसके अंदर ही आपने लॉग इन होना है। इसके अलावा जो आपकी प्राइवेट जो स्टूडेंट पोर्टल है उसके ऊपर आपका जो टाइम आ रहा होगा, आपने जो जब भी जैसे आप सेफ सेफ एग्जाम ब्राउजर को एग्जाम फाइल के थ्रू ओपन करेंगे, अपना यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, तो सारे पेपर्स शो हो रहे होंगे। शो पेपर के शो होने के साथ उसका टाइम भी दिया हो गया होगा। बाज़ दफ़ा आपको इशू आ जाता है उसका पेपर जो डेट शीट से कुछ, जैसे अगर उस पर टाइम दिया गया 10 AM, तो मे बी पॉसिबल वो 11 AM से 12 नून तक चला जाए। तो आपने डेट शीट के टाइम पे लास्ट के मुताबिक हो अगर कोई हुआ तो उसे टाइम आगे जा सकता है, उससे पहले पेपर कंडक्ट नहीं होगा। मगर फिर भी आपने उसको जिस दिन पेपर हो उसे एक दिन उसी दिन सेफ एग्जाम ब्राउजर पे जाके चेक कर लेना है कि आपका पेपर किस टाइम पे है, तो वो डेट शीट के मुताबिक ही होंगे पेपर। टाइम कुछ आगे हो सकता है, वो आपने सेफ एग्जाम ब्राउजर पे जाना है, पेपर का कोड लिखा होगा, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, और साथ में वो लिखा होगा कि इसका टाइम क्या हुआ है। तो आप अगर आप टाइम के बाद लॉग इन होंगे तो आपका पेपर कंडक्ट नहीं होना। तो और सेकेंडली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बैकअप रखें अपने साथ, और इंटरनेट भी ऐसा रखें कि जो दरमियान में इंटरप्ट ना करें। आप एक दफ़ा लॉग आउट हो गए या बिजली की वजह से, नेट की वजह से, या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपने इस चीज़ का अरेंजमेंट रखना है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है और इंटरनेट है वो दरमियान में जब आपका एग्जाम हो रहा हो कंडक्ट ना हो, इंटरसेप्ट ना हो, और कोई भी सेकंड चांस आपको अलाउ नहीं होगा। और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आपको कैमरास के थ्रू देखा जा रहा होगा कि आप इधर उधर तो नहीं देख रहे, आपने अपना काम कर रहे हैं। तो अगर आप अगर कैमराज में आपको देखा जाए कि आप कोई कहीं से चीटिंग कर रहे हैं या आपकी जगह पे कोई और एग्जाम दे रहा है, तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है। और मास्क अलाउ नहीं है, मास्क वियर ना करें, क्योंकि आपने ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो इसमें मास्क पहनने की कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से कोई होगा। तो आइडेंटिटी शो आपको करनी, वो कैमराज के थ्रू आपकी वेरीफाई होगी कि आप ही एग्जाम दे रहे हैं, कोई और तो नहीं आपकी जगह पे एग्जाम दे रहा, और कैमराज में आपकी रिकॉर्डिंग साथ साथ सेव हो रही होती है। तो जैसे ही कोई आपको पिक करेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, स्क्रीन पे नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं, या आपके कैमरा में आपके अलावा कोई और नज़र आ रहा है, आपके बैकग्राउंड में आपकी कोई आपको हेल्प करता हुआ, तो आपका पेपर फौरी कैंसिल हो जाना है और उसका कोई रिटेक नहीं होना। तो आप लोगों ने केयरफुली एग्जाम देना है, आप ऐसे रूम में हो जहाँ पे आपके अलावा कोई और ना हो, और फोकस आपने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे करना है कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखो, इसके अलावा कहीं और आप लोग ना देख रहे हो, अगर कहीं और देखेंगे तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने सेफ, मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, सेफ एग्जाम ब्राउजर के थ्रू आपका एग्जाम होगा। MSc सेकेंड के अलावा सारे एग्जाम 26 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। सेफ एग्जाम ब्राउजर में आपने जो एग्जाम फाइल यूज करनी है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस वाली यूज करनी है, उसमें कोई आपने एडिट नहीं करना। डेस्कटॉप कंप्यूटर और जो है लैपटॉप पे ये हो सकता है, स्मार्टफोन के ऊपर ये सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल नहीं होता। आपने विद इन टाइम लॉग इन होना है, टाइम के बाद लॉग इन होंगे तो आपको पेपर नहीं होगा, कोई सेकंड चांस अलाउ नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट इंटरसेप्ट होता है तो आप उसके जिम्मे रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे, आपने खुद उसका अरेंजमेंट करना है कि आपके पास कोई उसका बैकअप हो, कि लाइट चले जाए तो फ़ौरन आप उसे उसी टाइम पे कनेक्ट हो जाए दूसरी पावर से। आपने जो एग्ज़ाम देना है उसमें कैमरा आपका ऑन होना चाहिए, अगर कैमरा नहीं है तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। अगर आप कोई इधर उधर देखते हुए आपने किसी ने ऑब्जर्व किया कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं, तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शन है एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो, कोई कोई डिस्कस करनी हो, तो आप कमेंट के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।